मैं उतेश और आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी हम आए थे गिरौदपुरी धाम बाबा के दर्शन के लिए। अभी हमने बाबा के दर्शन कर लिए और अभी यहाँ से कुछ ही दूरी पे है छाता पहाड़, तो वहाँ चलते हैं अपन छाता पहाड़ की ओर। गाड़ी जो है अंदर लेके जाना अलाउ नहीं था, तो हमने गाड़ी है प्रवेश द्वार के बाहर की पार्किंग करके रख दी थी। पार्किंग का जो चार्ज है 20 रुपये है। यहाँ आपको फोर व्हीलर भी पार्किंग की सुविधा आपको देखने को मिल जाएगी। और यह है यहाँ का मुख्य प्रवेश द्वार, जहाँ से आप बाबा के दर्शन के लिए, जतखाम के दर्शन के लिए आप जा सकते हैं। और अभी मैं आपको ले चलता हूँ छाता पहाड़ की ओर, जो कि गिरौदपुरी धाम से 8 किलोमीटर की दूरी पे बाणावपारा अभ्यारण्य के घने जंगलों के बीच में स्थित है। छाता पहाड़ तक जाने के लिए रोड बनी हुई है, जिसमें आप कार से बाइक के सहारे आप जा सकते हैं। इस छाता पहाड़ के बगल में महानदी से मिलने वाली जोक नदी बहती है। इस नदी के किनारे बसा हुआ यह प्रकृति से घिरा हुआ सुंदर जगह आपको सतनाम पंथ का प्रतीक जतखाम देखने को मिलेगा। जैसे ही आप गिरौदपुरी धाम से छाता पहाड़ की ओर आप जाएंगे, वहां से आपको कुछ ही दूरी पे रास्ता है जो ढलान दिखाई देगा। वहां आपको गाड़ी है ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपका गाड़ी है 2 से लेकर 2.5 किलोमीटर तक गाड़ी है बिना ऑन किए आपकी ढुलती हुई जाएगी। छाता पहाड़ के बारे में कुछ बातें करें तो छाता पहाड़ गिरौदपुरी बलौदाबाजार जिले का एक खूबसूरत और बहुत ही सुंदर दर्शनीय स्थल है और सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी की तपोस्थली है। यह बलौदाबाजार जिले के उन कुछ चुने हुए पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ होती है, खासकर जब दिसंबर के मौसम में गुरु घासीदास जी की जयंती मनाई जाती है, तब यहां बहुत ही सुंदर माहौल होता है। तब गिरौदपुरी के इस पावन धाम में मेला का भी आयोजन किया जाता है। छाता पहाड़ बाणावपारा अभ्यारण्य के घनघोर जंगलों के बीच में स्थित है। यहाँ भी लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पे आप देखेंगे लोग है छाता पहाड़ तक गिरौदपुरी धाम से पैदल जाते हैं, वहाँ भी लोग है नाइट में रुकते हैं, फिर अगले दिन छाता पहाड़ के दर्शन के लिए जाते हैं। यहाँ आपको इस रूट में काफ़ी ज़्यादा ढलान है और काफ़ी ज़्यादा मोड़ है आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप यहां से सोनाखान जाना चाहे तो यहां से आप सोनाखान भी जा सकते हैं। सीधे अगर आप जाना चाहे तो यह रूट है सीधे पिथौरा है उनके लिए निकलती है। यहाँ पे आपको एक और रोड दिखाई दे रहा है, वो है छाता पहाड़ से दर्शन करके आने वाले श्रद्धालुओं के लिए चालू की गई है। यहाँ आपको इस रूट में घने जंगलों के साथ साथ काफी ज्यादा मोड़ है, उनके साथ साथ आपको ढलान आपको देखने को मिलेंगे। और अभी हम छाता पहाड़ से कुछ ही दूरी पे हैं। यहाँ से आप सीधा जाएंगे तो अर्जुनी है, महासमुंद है, पिथौरा के लिए जा सकते हैं। अगर आप राइट की ओर जाएंगे तो आप सीधे सोनाखान के लिए जा सकते हैं। सोनाखान की यहाँ से जो दूरी है 4 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत पुल आपको देखने को मिलेगा। इसी पुल को पार करके आप 4 किलोमीटर के बाद आप सोनाखान पहुँच जाएंगे। सोनाखान है शहीद वीर नारायण सिंह जी की कर्मभूमि जन्मभूमि है। यहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा आपको भीड़ है देखने को मिलेगी। यहाँ पे पास में स्थित है जोक नदी,
जोग नदी के किनारे लोग हैं, रात रुकते हैं, यहाँ पे भी मेला का आयोजन छोटा सा किया जाता है। और यहाँ से कुछ ही दूरी पे है छाता पहाड़। और यहाँ पे इधर लोगों की आपको बहुत ज़्यादा भीड़ है देखने को मिलेगी। ये सभी लोग छाता पहाड़ दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ भी लोग हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ भी लोग हैं, नाइट स्टे करते हैं। लोग हैं अपने साथ खाने पीने की सारी चीज़ें हैं लेके आते हैं, रात रुकते हैं और अगले दिन फिर बाबा के दर्शन के लिए छाता पहाड़ जाते हैं। अभी हम छाता पहाड़ से करीब 3 किलोमीटर दूर है। अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी अंदर जाना अलाउ नहीं है। यहाँ से हम फिर वापस जा रहे हैं, देखते हैं अगली बार फिर से आने की कोशिश करेंगे। अभी हम छाता पहाड़ से 3 किलोमीटर दूर है, अंदर की ओर गाड़ी लेके जाना अलाउ नहीं है क्योंकि वहाँ गाड़ी लेके जाने से आने जाने में दिक्कतें हो सकती, इसलिए गाड़ी लेके जाना अलाउ नहीं है। लोग हैं 3 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, उनके बाद 3 किलोमीटर पैदल आएंगे। अभी शाम का वक्त हो गया, अभी हमें घर भी जाना है, इसलिए हमने जो प्लान था उनको कैंसिल कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे जो रास्ता है उनको बांस से घेर दिया है ताकि लोग है गाड़ी को लेके ना जा सके, जिससे लोगों को आने जाने में असुविधा ना हो। और अभी आप यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी लोगों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी। लोग हैं दूर दूर से यहाँ आते हैं अपने सुविधा अनुसार और अपने साथ खाने पीने की सारी चीज़ें हैं लेके आते हैं क्योंकि जंगल है, यहाँ आपको कुछ भी खाने पीने की चीज़ें हैं नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मुख्य द्वार है वहाँ पे पुलिस की व्यवस्था की गई है ताकि जो लोग है गाड़ी अंदर लेके ना जाए, ताकि लोग है असुविधा से बच सके। और अभी हम चलते हैं घर की ओर, अभी हमें जाना है लवन, काफ़ी दूर जाना है तो चलते हैं घर की ओर। और अभी हम पहुंच चुके हैं जोग नदी के किनारे होने वाले मेले के स्थल पे। यहाँ पे भी लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी लोग हैं स्टे करते हैं नदी किनारे, जोग नदी के किनारे यहाँ पे छोटा सा मेले का आयोजन होता है। हम जोग नदी के किनारे लगे मेला स्थल से घर की ओर चलते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पे है सोना खान जाने के लिए पुल, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। वहाँ पे मैं आपको भी लेके चलता हूँ, दिखाने की थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ। अभी तो खैर नाइट हो गई, फिर भी आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपको बहुत ही सुंदर और खूबसूरत पुल आपको दिखाई देगा। इनको क्रॉस करके आप 4 किलोमीटर की दूरी के बाद आप सोना खान जा सकते हैं। पुल के नीचे आपको लोगों की भीड़ आपको देखने को मिलेगी। लोग हैं यहाँ पे पिकनिक के तौर पे, पिकनिक मनाने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ लोग हैं आपको पुल के नीचे आपको दिखाई देंगे। अभी हम छाता पहाड़ की दर्शन के लिए गए थे, फिलहाल तो दर्शन नहीं हो पाया। और अभी हम फिर से आप पहुँचे हैं गिरौदपुरी धाम। और यहाँ पे आपको जतखाम का नाइट व्यू कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा।
और यहाँ पे आप देखेंगे जैत खाम का जो मुख्य द्वार है उनको लाइटों से सजाया गया है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मुख्य द्वार पे लोगों की आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिलेगी, देख सकते हैं काफ़ी दूर दूर से लोग हैं बाबा के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। और अभी हम फाइनली घर के लिए निकल चुके हैं, अभी हम जोग नदी पुल पे हैं। जोग नदी पुल क्रॉस करने के बाद कटगी पड़ेगा। आपको पता है जब हम पुल क्रॉस करते हैं तो हमारी स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए, नियम के अनुसार हमारी जो स्पीड लिमिट है 20 होनी चाहिए, क्योंकि पुल पे एक्सीडेंट होने से बहुत बड़ा दुर्घटना होने के चांसेस हैं। दुर्घटना होने से आप सीधे पुल से नीचे गिर सकते हैं, इसलिए स्पीड लिमिट है 20 रखी गई है। पे आप देखेंगे कि लोग हैं काफ़ी दूर दूर से, पिकअप है, ट्रैक्टर है, कोई साइकिल से, कोई बाइसिकल से, कोई पैदल तक बाबा के दर्शन के लिए आते हैं काफ़ी दूर दूर से। और अभी हम फाइनली आ चुके हैं लवन, यहाँ हम कुछ नाश्ता पानी करेंगे फिर सीधे निकलेंगे घर की ओर। और अभी जो टाइम हुआ है रात के 8 बज चुके हैं, और अभी हमें एक ठेला दिखाई दिया जो खुला हुआ था, वहाँ हम नाश्ता पानी करने के लिए रुके हैं। यहाँ फिर नाश्ता पानी करने के बाद सीधे हम निकलेंगे घर की ओर। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन है मिलती रहे। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।